हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट वायबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व बाय, एंड द ऑप्शंस आर ए जीन बैंक, बी इज जीन लाइब्रेरी, ऑप्शन सी इज हर्बेरियम, ऑप्शन डी इज जीन पूल। सो द क्वेश्चन प्रिजर्व किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज। पहले हम ये देखेंगे कि इंडेंजर्ड स्पीसीज होता क्या है। सो इंडेंजर्ड स्पीसीज बेसिकली ऐसे स्पीसीज होंगे जो कि इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, दैट इज इनकी संभावना होती है कि वो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाए अगर हम उनका प्रिजर्वेशन ना करें तो। इफ वी प्रिजर्व देन दे कैन सर्वाइव। सो जो एक्सटिंक्शन है उसका मल्टीपल रीजंस हो सकता है, बट बेसिकली दो टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर दो फॉर्म बोल सकते हैं हम इसे। द फर्स्ट वन इज हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस क्यों होता है? बिकॉज वी दैट इज ह्यूमन, हम फॉरेस्ट को अपने यूज के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, दैट इज हम पेड़ को छाटते ताकि हम घर बना सकें या फिर रोड कंस्ट्रक्ट कर सकें, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को हैम्पर होता है, उनका एरिया कम हो रहा है रहने का, दैट विल लीड टू एक्सटेंशन। एंड द सेकेंड वन इज पोचिंग, दैट इज बेसिकली हंटिंग। मैनी पीपल यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल्स एंड इसकी वजह से भी उनका एक्सटेंशन होता है। नाउ वी विल सी कि वाइबल मटीरियल क्या होता है। तो वाइबल मटीरियल जो होता है वो एक ऐसा मटीरियल होता है जो कि कैपेबिलिटी रखता है एक न्यू लाइफ की फॉर्म को फॉर्म करने का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू लाइफ। और इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है स्पर्म एंड ओवम इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन और एनिमल। एंड इन प्लांट के केस में होता है सीड, जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने का। नाउ हम सारे ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे। सो द ऑप्शन डी दैट इज जीन पूल, हम पहले ये देखते हैं ऑप्शन डी दैट इज जीन पूल। जीन पूल बेसिकली वो होता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन और स्पीसीज। इसका ये मतलब है कि हमारे जो पूरे पॉपुलेशन में रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन का जितना भी जीन है उन सब के कलेक्शन को हम जीन पूल कहते हैं। नाउ वी विल सी द ऑप्शन सी दैट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? ये एक प्लेस होता है जहाँ पे कलेक्शन होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, एज वेल एज इंसेक्ट्स का, लेकिन एक ड्राइड फॉर्म में हम इसे प्रिजर्व करते हैं। ड्राइड फॉर्म में दैट बेसिकली यही मतलब हो सकता है कि उससे फिर से एक लाइफ फॉर्म अगेन हम रीजनरेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये सूखा फॉर्म है किसी भी प्लांट या फिर एनिमल या फिर इंसेक्ट का, सो वी कांट यूज दिस। नाउ वी विल सी द ऑप्शन बी दैट इज जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी में क्या होता है? हम कलेक्शन रखते हैं या कलेक्ट करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, उसका कॉपी बनाकर, दैट इज हम क्लोनिंग करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स का। तो इसमें भी हम ऑब्वियसली हम सिर्फ डीएनए को यूज करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर पाएंगे, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये हम यूज नहीं करेंगे। नाउ वी विल सी द ऑप्शन जीन बैंक। एज द नेम इज सजेस्टिंग जीन बैंक, तो बैंक एक इंस्टीट्यूट होता है दैट मेंटेन स्टॉक्स ऑफ वाइबल सीड। ये बहुत यूज नंबर्स पे वाइबल सीड्स को स्टोर करेंगे, लाइव ग्रोइंग प्लांट्स को यूज करेंगे और स्टोर करेंगे उसे। टिश्यू कल्चर यहाँ पे होता है, यहाँ पे फ्रोजन जर्म प्लांट्स को हम स्टोर करते हैं विद जेनेटिक वेरिएबिलिटी, दैट इज हम उसकी वेरिएबिलिटी को हैम्पर नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसे ही उस फॉर्म को हम वहाँ पे रखते हैं। या फिर हम एग्स को स्टोर करते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, एग्स ओवम एंड इन केस ऑफ प्लांट हम सीड्स को स्टोर करेंगे। लेकिन स्टोरिंग का कुछ प्रोसेस होगा, जैसे कि हम यूज करेंगे माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रेड विथ लिक्विड नाइट्रोजन, ताकि उसके क्वालिटी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ भी डिग्रेडेशन ना हो और उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी हैम्पर ना हो, जैसा ऑर्गेनिज्म पहले था बिल्कुल हम उसका कॉपी बना सकें, ऐसा हम वहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उस जीन बैंक में। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन? वाइबल मटेरियल ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व बाय, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जीन बैंक। हम जीन बैंक के हेल्प से वाइबल मटेरियल को स्टोर करेंगे, वाइबल मटेरियल में एग और ओवम या फिर सीड्स आएगा, एक एनवायरनमेंट देंगे ताकि वहाँ पे वो अच्छे से प्रिजर्वेशन हो सके, उसकी क्वालिटी को हम हैम्पर नहीं करेंगे और हम उसके हेल्प से एक फिर से न्यू स्पीसीज या फिर ऑर्गेनिज्म बना सकेंगे, जो कि बिल्कुल पहला जो इनडेंजर्ड हो चुका था, दैट इज एक्सटिंक्ट हो चुका था ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सेम कॉपी हम उसका बना सकेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन वॉज जीन बैंक। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।